एडल्ट सॉन्ग गाऊं तो मुझे भी फेम मिलेगा, मुझे भी देश के मुख्यमंत्री आके सम्मानित करेंगे। वो क्या करता है, वो भी कैसे एडल्ट सॉन्ग के ऊपर अपनी वीडियो बनानी शुरू कर देता है, और उसको उसके माँ बाप भी ये काम करने के लिए नहीं रोकते, वो भी उसको पूरी सपोर्ट दिखाते हैं कि क्या होगा कि मैं भी वीडियो डालूंगा, मुझे भी ऐसा फेम मिलेगा, मुझे भी आके मुख्यमंत्री सम्मानित करेंगे। इस देश के जितने भी लोग प्रसिद्ध हुए हैं वो प्रसिद्ध अपनी क्षमता से नहीं हुए या अपने ज्ञान से प्रसिद्ध नहीं हुए, उन्हें प्रसिद्ध किया जा रहा है। इस देश को घटिया कंटेंट की आदत लगाई जा रही है। जो लोग तो प्रसिद्ध होते गए, देश उसी तरह उनको देख के उन्हीं की तरह होता गया, और अब हमारा देश इसराइल की लड़की की तरह आतंकवादियों का सफाया नहीं कर सकता, रूस और अमेरिका की तरह गोल्ड मेडल नहीं जीत सकता, नोबेल प्राइजेस नहीं जीत सकता, क्योंकि हमारे देश को इस घटिया कंटेंट की, इस सोशल मीडिया ने घटिया कंटेंट की आदत लगा दी है। अब ना तो हमारा देश ज़्यादा तरक्की कर सकता है और ना ही विज्ञानी बन सकता है। हमारे देश के लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब की वीडियो, इस तरह की चीज़ के ऊपर अपना दिमाग लगाते हैं। अब नीरज चोपड़ा का मेडल आ गया तो क्या एक मेडल से संतुष्टि हो जाएगी? 140 करोड़ आबादी वाले इस देश में, 140 करोड़ आबादी वाले इस देश में सिर्फ एक गोल्ड? आम वर्ग के नौजवान इससे जस्टिफाई हो जाएंगे कि 140 करोड़ आबादी में सिर्फ एक गोल्ड मेडल, सिर्फ एक गोल्ड मेडल? ये तो बहुत गलत है, बहुत गलत है। बाकी के गोल्ड मेडल कहाँ हैं? हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा टीनेजर्स पाए जाते हैं, हालांकि हमारे देश में मेडल की कमी है। यही है हमारा ओरिजिनल हिंदुस्तान, स्वागत करते हैं, यही वो देश है जो आज अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। नमस्ते करते हैं इस नए हिंदुस्तान को।